एवरी मैन थिएटर में अपनी अपनी सीट संभालते ये अफराद यहाँ कोई परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं आए. We are here to take you on an experience through You Can't Take It With You. मार्कस किड इस कंपनी के एजुकेशन डायरेक्टर हैं। हम इस पर यकीन नहीं रखते कि ना देख सकने के बायस ये लोग प्ले को एंजॉय नहीं कर सकते. एक तरीका जिसके जरिए एवरीमैन थिएटर नाबीना ऑडियंस को प्ले एंजॉय करने में मदद देता है वो उनको स्टेज पर लाकर सेट से मानूस करना है. हर प्ले में छूकर महसूस करने वाला टूर शामिल नहीं होता, लेकिन 1930 का कॉमेडी प्ले यू कैन टेक इट विद यू अपने ऊटपटांग किरदारों के साथ इस मकसद के लिए इंतहाई मौजू है. इस प्ले के बारे में अच्छी बात यह है कि स्टेज पर मौजूद तकरीबन हर चीज ही कहानी पर असरअंदाज होती है. स्क्रिप्ट खोलते ही टाइपराइटर या बच्चों की टॉफियों से भरी इंसानी खोपड़ी हर चीज की वजाहत मिलना शुरू हो जाती है. एवरीमैन थिएटर कई सालों से अमूमन हर सीजन में एक प्ले के लिए टच टूर्स करवाता आ रहा है. That's Mr. Kirby's fedora. रॉजर विलियमसन बाकायदगी से यहाँ आते हैं. Because we don't see... देख ना सकने के बायस हम अपनी समझ के मुताबिक चीजों की सिर्फ तस्वीरें ही अपने जहन में बना सकते हैं. इससे हमारे लिए परफॉर्मेंस की समझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. मॉरिस पेरेट टच टूर करने से पहले ये खेल अटेंड कर चुके थे. सेट के बारे में जानकर खेल कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया. अब मुझे इस खेल को देखना और इसके किरदारों के बैठने की पोजीशंस भी याद हैं। हम अपनी आंखों से ज्यादा अपने जहन से देखते हैं. चीजों को देखना इशू नहीं बल्कि देखने के अमल से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को समझना मसला है. थिएटर को इन टूर से कोई आमदनी तो शायद ना हो, लेकिन मार्कस किट कहते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों के साथ थिएटर को शेयर करके खुशी होती है जो दूसरी सूरत में परफॉर्मेंस को अटेंड करने का सोच भी नहीं सकते. सुजन लोक के साथ आयशा खालिद, उर्दू वीओए.